एक साहब आए, उनका दामाद उनकी बेटी को 30 साल से सता रहा है और बेटी बिल्कुल हो गई पागल, दिमागी तवाजुन हो गया उसका खराब। 30 साल बाद मशवरा लेने के लिए आए कि मैं दामाद से डिवोर्स लेना चाह रहा हूं, अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस इसमें, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मैंने कहा थोड़ा और लेट आ जाते। कह रहे हैं एक्चुअली हुआ यह कि हमारी सोसाइटी में तलाक का रिवाज नहीं है, तो हमने सोचा दामाद जब पता चला बहुत खराब है और ये ऐसी हरकतें कर रहा है, लड़कियों में इन्वॉल्व है और ना नफा नहीं दे रहा, तो हमने कहा भाई हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, बड़े बड़े पत्थर दिल अल्लाह दुआओं के जरिए से चेंज कर देता है, तो हम अल्लाह पे एतमाद करते हैं। बेटी को भी हमने समझाया, हमने दुआ मांगते रहे, फिर ये किया, फिर ये वजीफा पड़ा, फिर ये पड़ी, फिर हमें लगा कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर हमें ख्याल आया कि अल्लाह के यहाँ देर अंधेर नहीं है, और बिल आखिर बेटी का हो गया बेड़ा, दिमाग ही खराब हो गया उसका। और भाईजान अल्लाह मियाँ के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, 100% दुरुस्त। इसका ये मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हो, इसका मतलब यह है कि जब हुदूदुल्लाह पे कायम रहना मुमकिन ना हो, कुरान में अल्लाह ने कहा है कि अलग ही इख्तियार करो, जिस अल्लाह ने यह कहा कि अल्लाह के यहाँ देर अंधेर नहीं, उसी अल्लाह ने यह भी तो कहा है ना कि जब हुदूदुल्लाह पे कायम रहना मुमकिन ना हो तो क्या कर लो, अलग इख्तियार करोगे, अल्लाह दोनों को नहीं कर देगा, टेंशन ना लो इसकी। तलाक बुरी चीज है लेकिन ऐसी शदीद मजबूरी में तो अच्छी चीज है, ये भी तो अल्लाह ने कहा है।